दोस्तों, आज हम ये बनाए हुए हैं जिसे आप डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे स्टडी टेबल पर या वर्किंग टेबल पर, और भी कई तरह से इसे यूज में लाया जा सकता है। तो आइए आज हम इसे बनाते हैं। देखिए, इसे हम कई कलर से बनाए हुए हैं और 3-ply का ऊन से ही बनाए हुए हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। इसे शुरू करेंगे हम इस कलर का ऊन से। सबसे पहले तो देखिए, इस तरह से हम सर्किल बना लेंगे और यहाँ पे हम चेन बनाएंगे। उनको इस तरह से लेकर 2 चेन सबसे पहले बनाएंगे। ये हो गया 2 चेन। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया का संख्या रहेगा 12। एक, इस तरह से हम 12 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। ये लास्ट का रहा 12 डबल क्रोशिया। इसे बना लेने के बाद में ये जो आप देख रही हैं छोर, इसे हम इस तरह से टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद लाकर इसे यहाँ हम जोड़ लेंगे। देखिए, इस पे जोड़ लिए। अब एक चेन ले लेंगे, उनको कट कर लेंगे हम। अब हम दूसरा कलर का ऊन यहाँ पे लगाएंगे और इसे जब हम बनाएंगे तो बनाते हुए इसे गोलाई में इस तरह ले चले जाएंगे। और ये जो बीच में आप देख रही हैं, इसे हमें यहाँ पे नोट लगाना होगा, नहीं तो ये खुल जाएगा। तो हम नोट लगा लेंगे। लगाने के बाद इसे कट कर लेंगे। तो चलिए अब हम दूसरा कलर का ऊन यहाँ पे जोड़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम इस कलर का ऊन को जोड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम जोड़ना शुरू करते हैं। जोड़ लिए। अब 2 चेन लेंगे, एक और एक दो। अब इसी स्थान से हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे हुक को डालकर ये हो गया। अब हम फिर से फंदे लेंगे और ठीक बगल से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये रहा एक। हो गया 2 डबल क्रोशिया। तो प्रत्येक जगह से हम इसी तरह 2 डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। यहाँ से भी हमें 2 डबल क्रोशिया लेना है। इस तरह से पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम ये बनाकर तैयार कर लिए। चलिए आगे बनाते हैं। आगे भी हमें इसी ढंग से बनाना है। सबसे पहले हम इस तरह से चेन बना लेंगे, इसके बाद इसे लाकर यहाँ जोड़ेंगे। 1, 2, 3 3 चेन बना लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें 1 डबल क्रोशिया इसी स्थान से करना है। सेम जैसा हम इसे बुने उसी तरह हमें बुनना है। फिर इस स्थान पे लाएंगे हुक को और 2 डबल क्रोशिया यहाँ से भी बना लेंगे।
फिर से दो डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हम इस लाइन को भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसे पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट किया। अब आगे हमें क्या करना है, ये यहाँ लाकर जोड़ लेंगे, पूरा गोल हो गया। अब एक चेन लेंगे इस तरह से, और देखिए अब हमें क्या करना है, फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद इसी स्थान से एक बार, सॉरी यहाँ पे बिना फंदे लिए हुए एक बार हम इस तरह से दो का एक करेंगे। फिर अगली चेन पे यहाँ पे हुक को डालेंगे और देखिए इस तरह से तीन का एक करेंगे दो बार एक ही चेन से, एक और एक, दो बार एक ही चेन से दो बार। अब डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक फिर इसी स्थान से बनाएंगे, दो तीन चार। देखिए एक ही स्थान से हम यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाए। अब फिर से फंदे लेंगे और यहाँ पे हम तीन का एक करेंगे दो बार, एक और एक दो बार, ये हो गया। अब फिर से यहाँ दो का एक करेंगे, ये हो गया। ये देखिए ये आपको एक इस तरह से तैयार हुआ। अब बीच में हम देखिए हमें क्या करना है, बीच में एक दो, तो इस तरह से हम यहाँ पर दो बना चुके हैं, एक और बनाएंगे, ये एक और हो गया तीन। तो यहाँ पे हम बीच में तीन चेन इस तरह से बनाएंगे। अब फिर से इस चीज़ को बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस चीज़ को बनाना शुरू करते हैं, पहला हम इस तरह से लिए थे, फिर दूसरा हम लेंगे फंदे को लेकर तीन का एक करेंगे दो बार, एक और एक दो बार, ये हो गया। इसके बाद हम डबल क्रोशिया चार बनाए थे, चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन और ये रहा चार डबल क्रोशिया। एक ही स्थान से चार डबल क्रोशिया बनाए। अब बनाएंगे हम यहाँ से तीन का एक दो बार, ये तीन फिर से तीन। अब यहाँ लेंगे हम एक, देखिए तो इस तरह से इसे हम बनाकर यहाँ पे कंप्लीट किए। तो ये चीज़ हमें दो पीस में बनाकर तैयार करना पड़ेगा, ये जो आप देख रहे हैं दो पीस में हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हम दो पीस में तैयार कर लिए हैं। अब इसका हम ये वाइट कलर से जो बनाए हैं ये चीज़ दो पीस में बनाएंगे। एक दो तीन, अब हम यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये रहा 12 डबल क्रोशिया, इसे टाइट करेंगे। अब यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे, ऊन को कट कर लेंगे।
नोट लगाएंगे। बचा हुआ जो ये ऊन है इसे हम कट कर लेंगे। ये दो पीस में बना लेंगे, एक और एक दो पीस में। अब देखिए अब हमें क्या करना है। इसमें हम इसे लगाएंगे, यहाँ पे फिट करेंगे इस स्थान पे एक, और एक फिट करेंगे इस स्थान पे। दोनों को हम इस तरह फिट कर लेंगे। तो फिर चलिए इसे सिलते हैं हम। देखिए सिलने के लिए हमें क्या करना है। ये हम यहाँ इस स्थान पे एक लगाएंगे और जो दूसरा है इसे हम इस स्थान पे लगाएंगे। देखिए दोनों इस तरह से। तो सबसे पहले एक लगा लेते हैं हम, ब्लैक कलर का ये ऊन ऊन सुई में डाल चुके हैं। डालने के बाद हम इसे इस तरह से यहाँ पे निकालेंगे। देखिए ये हो गया, इसे हम ठीक यहाँ पे डालेंगे। ये हो गया। एक बार में हम चार धागा यहाँ पे डाले हुए हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब दूसरा भी लेंगे, इस स्थान पे सेट करेंगे दूसरा। देखिए इस तरीके से सेट करेंगे और दूसरे पे भी हम इसी तरह बनाएंगे। यहाँ से निकालें और इसे यहाँ पे, देखिए दोनों सेम हो गया। अब हम यहाँ पे नोट लगा लेंगे ताकि ये खुले ना। हो गया। अब इसे कट करेंगे। अब हम दूसरा कलर का यानी रेड कलर का धागा लेंगे यहाँ पे सुई में डालकर। ये हम दो बार इसे, देखिए इस तरह से दो बार डाल रखे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बीचों बीच में सुई को इस तरह निकालना है इस तरीके से, और इसे ले जाना है यहाँ तक नीचे की ओर लाएंगे। देखिए ये हो गया। फिर से सुई को इसी स्थान पे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये अब तीन बार हम डाल चुके हैं ऊन, अगर आप देखेंगी तो छह बार हो गया। अब इसे हम यहाँ निकालेंगे इस स्थान पे, ये हो गया इस तरीके से डालेंगे। एक बार और करेंगे, देखिए ये हो गया। अब हम पीछे की ओर आकर यहाँ पे नोट लगा लेंगे। ऊन को कट कर लेंगे। ये देखिए ये इस तरह बन गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इस तरह आपस में यहाँ पे जोड़ना है। देखिए इस तरीके से हमें जोड़ना है।
देखिए ये यहाँ पे लेंगे, हुक को डालेंगे और ठीक इसका यहाँ पे बराबर पे, और ये हमारा दो हो गया, यहाँ हम दो का एक करेंगे। फिर से देखिए हमें क्या करना है, ये एक में पहले हुक को डालेंगे फिर दूसरे में हुक को डालेंगे, इस तरीके से डाल लिए। अब ये यहाँ इस तरह से लेंगे और फिर हमें दो का एक करना है, यानी कि हम इस तरीके से इसे जोड़ रहे हैं। देखिए इस तरीके से हम इसे जोड़ रहे हैं, तो जोड़ते हुए हम यहाँ से लेकर ये यहाँ तक लाएंगे, ठीक है। हम जोड़ते हुए कहाँ से कहाँ तक लाएंगे, यहाँ से जोड़ते हुए हम यहाँ तक लाएंगे। तो चलिए इसे हम सबसे पहले जोड़ लेते हैं ठीक इसी तरीके से। इस तरह से देखिए हम इसे सील कर, यानी क्रोशिए के द्वारा ही यहाँ से लेकर देखिए यहाँ यहाँ तक लाए। अब हम यहाँ पे ये रुई भर लेंगे, यहाँ पे हम इसके बाद आगे बतलाते हैं। तो रुई आप इस तरह से यहाँ डाल सकती हैं, आप इसमें अगर चाहें तो ऊन का कतरन भी डाल सकती हैं। जैसे हमारे पास छोटा छोटा ऊन जब हम बुनते हैं तो काफ़ी बच जाता है हमारे पास, आप उसे भी डाल सकती हैं। अब एक और छोटा सा हम लेंगे और यहाँ पर सामने डालेंगे। इस तरह से बाद में इसे हम मेकअप कर लेंगे, इस तरह से बराबर कर लेंगे। तो चलिए अब जो बचा हुआ भाग है इसे हम जोड़ लेते हैं।
इस तरह से साइड में इस तरह का देखिए, इस तरह से देखिए ये बनकर तैयार हो जाएगा दोनों प्यारा सा। तो इस तरह से बनकर तैयार होता है अगर आप लोगों को, इस तरह से बनकर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।